जिस तरह से सामाजिक अन्याय हुआ है हमारे साथ में और हमारे ऑफिस को तोड़ा गया है, अबुल हसन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह में दुर्घटना घटी है कि हमारे तालुका अध्यक्ष स्वप्निल जवड़गे के ऑफिस पे विदाउट कोई भी नोटिस दिए बगैर बीएमसी ने डेमोलिशन किया, और वो बालवाड़ी भी था, उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी नहीं निकाला गया, और जीसीबी लगा के उसको गिराया गया, जिसमें कुछ बच्चों को मार भी लगा, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। और उसके बाद फिर हमने वार्ड ऑफिसर से आके संपर्क कायम किया कि भाई आपने अगर ये डेमोलिशन किया है तो उसका नोटिस दो, आपको नोटिस बिफोर करना ड्यू टू प्रोसेस बार में जाना ही चाहिए। तो उनका पहले ये कहना था कि हम लोग डेमोलिशन कर सकते हैं, आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बाला साहब से बात किया, वो आजाद अम्बेडकर साहब ने बात किया, तो कहते हैं कि ठीक है वो ऑफिसर अभी जगह पे नहीं है और कहीं बाहर गया है, वो आने के बाद मैं पता करता हूँ कि उस टाइम लीगल नोटिस क्यों नहीं इशू किया, किया ऐसा उनका कहना है। और भी ऑफिस इलीगल है और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी वार्ड विभाग के हाथ में बहुत सारे हो रहे हैं, जिनको सैंक्शन दिया जा रहा है। मैंने उनसे ये पूछा कि भैया जो भी आप लोग कर रहे हो रेगुलाइज किस प्रकार का कर रहे हो, क्योंकि पूरा जो एल वार्ड विभाग आता है, एल वार्ड विभाग जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का महाराजा है। मैंने यहाँ तक पूछा साहब से कि 2000 रुपया स्क्वायर फीट 1000 रुपया स्क्वायर फीट का जो भाव चलता है रेगुलाइज का, तो उसे आप हम लोग को डिक्लेयर कर दीजिए। हमारा जो भी बालवाड़ी डेमोलिश हुआ 200 स्क्वायर फीट था, हम वंचित समाज आप मिलकर 3-4 लाख रुपया आपको जमा कर देते हैं और उसे रेगुलाइज कर दीजिए। तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। अब आगे कार्रवाई क्या होगी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस तरह से, जो है फिर यह दोबारा बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, इसको रेगुलाइज नहीं किया तो आपका एक्शन क्या होगा? अभी हमने उनको एक निवेदन दिया है कि 20 तारीख के अंदर जो बालवाड़ी था उसे आप एज इट इज बना के दीजिए, जैसा था तैसा, और बीएमसी अपने फंड से बनाए। अगर वो नहीं बनाती है तो 22 तारीख को सुबह 11 बजे वंचित बहुजन अघाड़ी मुंबई प्रदेश की तरफ से एल वार्ड का घेराव होगा और हम ये अपनी चीज मनवा के ही रहेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी आपके कार्यकर्ता हमें ये बताए कि अंदर ऑफिस के अंदर बालवाड़ी में आदरणीय मान्य प्रकाश अम्बेडकर ये प्रकाश अम्बेडकर की मूर्ति भी थी वहाँ पर, खुद हमारे जो है उनकी भी वहाँ मूर्ति थी, क्या उसमें कोई हानि पहुंचती है? तस्वीर वगैरह पे उस समय मैं जगह पे अवेलेबल नहीं था, सुजात अम्बेडकर ये अपना स्वप्निल थे, ये आपको उसके बारे में परफेक्ट बता सकते। स्वप्निल जी आप पूरा मामले किस तरह से देखते हैं, क्या बताएंगे आप, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या दुश्मनी के कारण हुआ, क्या राजनीतिक ये हमला एक तरह से किस जगह पे? जिस जगह पे बालवाड़ी चलती है उस बालवाड़ी का शासन की तरफ से लीगल बालवाड़ी है, बालवाड़ी का क्रमांक है 67 जो कुरला एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प की तरफ से चलाई जाती है। उसके सामने एक हफ्ते पहले आमदार मंगेश कुडालकर की तरफ से उद्घाटन किया गया, जो सामने का स्ट्रक्चर था उधर उनको वैक्सीनेशन सेंटर बनाना था, वो झूठे पेपर बना के उस जगह को अपने में ताबे में उन्होंने लिया है, और उसी बिल्डिंग में बाजू में उनके पीए रहते हैं और उसके बाजू वाले बिल्डिंग में खुद आमदार रहते हैं। तो उन सब लोगों ने जानीपूर्वक मतलब लोगों को गुमराह करके उस सोसाइटी का लेटर लेके बीएमसी में कंप्लेंट किए। कंप्लेंट करने के बाद बीएमसी की तरफ से पुलिस की तरफ से हमको कोई भी सूचना या नोटिस पुलिस या बीएमसी दोनों की तरफ से हमको दिया गया नहीं, और उस 11:30 से 12 के दरमियान पुलिस वहां पे आती है, मुझे कहती है कि तू बाजू हो जा। मैं बोला क्या हुआ हो तो बताइए, अंदर बच्चे है। तो मुझे धक्का दिया जाता है, मैं अंदर चले जाता हूँ तो खिड़की तोड़ दी जाती है, अंदर बच्चे होते हैं, वो बच्चे को लगता है तो भी वो सुनते नहीं, पूरी खिड़की तोड़ दी जाती है, अंदर मुझे मारपीट की जाती है, उसके बाद मुझे घसीटते हुए लेके जाते हैं डब्बे में, पुलिस वैन में मुझे लेके जाते हैं, वहां पे मुझे मारा जाता है, मेरा चश्मा तोड़ा जाता है, कान के नीचे मारा जाता है, मेरा मोबाइल छीन लिया जाता है। उसके बाद मुझे वहां के सीनियर पीआई जो है यूसुफ सौदागर, वो मुझे धमकी देते, तेरे पैर तोड़ डालूंगा, तेरे पे सोस्तों का गुनाह दाखिल कर दूंगा। तो ये जो जानबूझ के ये सब जो चीजें की जा रही है वो आमदार के दबाव से होगी, ये यहाँ के जो मंत्री है उनके दबाव से होगी, एल विभाग के जो सहायक आयुक्त है हिरलेकर उनके दबाव से होगी, या ये सबके जो जड़ है प्रशांत गौड़ी वो जान बूझ के ये सब चीजें कर रहे हैं। आमदार को यहाँ पे मदद करते हैं, आमदार तांसा पाइपलाइन पे मच्छी मार्केट बना सकते हैं, हर जगह पे कब्जा मार मार के वहां पे समाज मंदिर के नाम पे हॉल बनाया जा रहा है, वहां पे लोगों से पैसा लूटा जा रहा है,
और हम जो लोग है हनुमान नगर में जो लोग रहते हैं वहाँ पे एक छोटी सी बालवाड़ी नहीं है, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे उस बालवाड़ी में रोज आ रहे थे, वो चीजों को इनको मतलब गरीबों के बच्चे जब पढ़ते हैं तो इनको तकलीफ होती है, वो सब चीजें ध्यान में रख के जान बुझ के ऐसा इन्होंने रेमुनेशन किया है, ऐसा हमारा आरोप है। अगर ये तो आने वाले 19 तारीख तक उन लोगों ने बालवाड़ी रिटर्न बना के नहीं दी गई, वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले 22 तारीख को जैसे हमारे मुंबई अध्यक्ष साहब ने अभी कहा है उनके नेतृत्व में रेल विभाग पे घेराव किया जाएगा। आपको लगता नहीं कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग? आमदार मंगेश कुराकर जो है पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा अगर किसी को निधि दिया गया 350 कोटी निधि खाली कुर्ला आमदार को दिया गया हुआ है, वो मुख्यमंत्री साहब के दुलारे हैं, रेल विभाग के वो जवाई है शायद यहाँ के दामाद है यहाँ के रेल विभाग के, इसके लिए उनको इतने लाड़ बुराया जाता है और उनके सूचना के हिसाब से ये सब डेमोलिशन किया गया। आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दोस्तों हमारे जो देखने वाले, हम उनसे सबसे यही कहना चाहेंगे कि इस ये न्याय अन्याय के खिलाफ आपको इस बात को आगे बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है इस बात को। आपने से कुछ कहना चाहेगा? आप भाई बोला नहीं भाई भाई, आप इस विषय पे पूरे मामले पर क्या बोलना चाहिए? क्योंकि एक बहिरा होना भी लाते हैं, आपने क्या क्या फायदा होगा इस तरह से शिक्षण के लिए होने जा रहा है महिलाओं को?